अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और एक्साइटिंग से वेजिटेबल चीज़ रोल। इसको बनाकर आप फेस भी कर सकते हैं और ईद पर अपने आने वाले गेस्ट को ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक। इसको जस्ट हमें 30 मिनट के लिए फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 पाव यानी कि 250 ग्राम कैबेज, 250 ग्राम्स कैरेट, 250 ग्राम्स कैप्सिकम। फ्लेम को हमने हाई रखना है ताकि हमारी जो सारी वेजिटेबल्स हैं उसका क्रिस्प ख़राब ना हो। हमें वेजिटेबल्स क्रिस्पी रखनी है। मैं ऐड करूँगी 1 बाउल ऑफ स्प्रिंग अनियन, सिर्फ ग्रीन पार्ट यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। फिर ऐड करूँगी बॉइल्ड चिकन श्रेड की हुई, ये भी मैंने 250 ग्राम्स ली है। अच्छे से इसको मिक्सअप कर देंगे। ये सारा प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हमें अपनी वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी सॉसेस, 2 टेबल स्पून ऑफ विनेगर, 1 टेबल स्पून ऑफ वॉर्चेस्टर सॉस, 2 टेबल स्पून ऑफ हॉट सॉस, 2 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस। इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे, अच्छे से कंबाइन करेंगे। फ्लेम को हमने अपना हाई रखना है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट एंड 1.5 टेबल स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर। मिक्सअप कर लेंगे इसको अच्छे से। सारे स्पाइसेस डालने के बाद सिर्फ इसको 1 मिनट तक पकाना है हाई फ्लेम पर ही। अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया इसको और अब मैंने अपना फ्लेम ऑफ कर दिया है। फ्लेम ऑफ करके मैं इसको ठंडा कर लूँगी। हमारे मिक्सर यहाँ पर ठंडा हो रहा है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 बाउल ऑफ चीज़, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ चेडर चीज़। इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर हिट कीजिए। ये आप लोग की मोटिवेशन होती है हमारे लिए कि हम रोज़ आप लोग के लिए नई से नए वीडियोस लेकर आएँ। अब हम यहाँ पर बनाएंगे रोल। मैंने यहाँ पर रोल शीट्स ली हैं, और उसके ऊपर मैं 1 to 2 टेबल स्पून जो है मिक्सचर के अंदर ऐड कर दूँगी। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और जो मैंने लई बनाई थी उसकी ब्रशिंग कर दूँगी मैं। 1 by 1 इस तरह बनाकर इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने तक के लिए। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। गोल्डन ब्राउन होने पर मैं इसको बाहर निकाल लूँगी और हमारे मज़ेदार से चीज़ी रोल बनकर रेडी है। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।